हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो है बुधवार का, बुधवार सुबह का। युवराज ट्यूशन जा चुके हैं, 9 बजे के बाद का टाइम है ये, और क्योंकि 9 बजे जाते हैं युवराज ट्यूशन। और फिर मैंने साफ़ सफ़ाई करी थी, और साफ़ सफ़ाई करने के बाद में घर में जो सुकून और जो शांति महसूस होती है ना, अलग ही लेवल का होता है। घर आपका कैसा भी हो, लेकिन एक बार साफ़ सुथरा कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आपको अपने घर में, बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होता है। नहीं, वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसा नहीं किया अंकल जी की वजह से। नमस्ते अंकल जी। मैं तो कब की आई हूँ, कितना देर हुआ दीदी? आधा घंटा। नहीं, उससे ज्यादा हुआ, आधा घंटा से ऊपर हुआ। हम लोग इतना बातें की, आपको नहीं पता चला? नहीं पता चला। नहीं नहीं करी, सोना नहीं है तभी तो मैं आई हूँ। जागरण है ना आज, इसीलिए तो आई हूँ, सोने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पे। अरे यार, एक दिन मत देखो, दूसरे दिन आपको अकेले ही जब सीरियल ही देखना था तो मेरे को बुलाया क्यों? दोनों करो। टेलीकास्ट नहीं आता इसका, दोबारा आता होगा ना? दिन में आता होगा, दिन में टीवी नहीं चलता, नहीं पता चलता, चालू नहीं करती, चालू नहीं करती। मेरा तो पहले शौक था ये सीरियल का, इसीलिए तो निकाल रही हूँ, कहाँ रख दिया मैंने, आते आते। अरे यार, सोने का है तो कहाँ रखूँगी, ना ना आते टाइम रखी कि मैं पहन लूँगी वहाँ जाके, अलमारी में रख रखा था। ऐसा ही वाला है? हाँ वही वाला है। उस दिन मैंने नहीं वीडियो बनाया था, अपने लाल दरवाजा गया था, जो मैंने ईयर रिंग दिया था, तो वो पहन के वीडियो बनाया ना, जब से निकाला जब से मैंने कान में डाला ही नहीं कुछ, ऐसे खाली खाली कान है मेरा। मेरे को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है ज्वेलरी वगैरह इतना ज़्यादा। अरे आँखें एकदम ऐसे लग रहे हैं ना, आज पूरे दिन भी सोई नहीं। अरे हाँ, तुम दवाई डालना, दवाई डालूंगी तब सो जाओगे। और ये क्लिप भी बुधवार का है, पर रात का क्लिप है, और मैं पहुंची हूँ दीदी के घर पे, आप देख सकते हो। एक्चुअली दीदी ने माता जी का स्थापना किया है, दशा माँ का, जो गुजरात में रखते हैं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन का माता जी का स्थापना करते हैं ना, मतलब विसर्जन करते हैं 10वें दिन, तो वैसे ही 10 दिन माता जी को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जिस दिन विसर्जन करना होता है उस रात्रि को, जो मतलब जगराता होता है, मतलब जागरण होता है, तो दीदी ने बोला मैं अकेले कहाँ जाग पाऊँगी, तुम भी आ जाना, तो साथ में अपने दो जन होते तो अलग ही बात होती ना, अकेले इंसान नहीं जग पाता, तो इसलिए मैं गई हूँ। और एक्चुअली कान का मैं लेके ही गई थी, अपने कान का इयरिंग लेके ही गई थी कि दीदी से पहन लूँगी, ऐसे पहन भी सकती हूँ, मैं भी पहन सकती थी, पर मैंने बोला कि चलो जा ही रही हूँ तो दीदी से पहन लूँगी। और एक तो मेरे पास बहुत छोटा सा इयरिंग है जो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, खुद से नहीं पहन पाती हूँ, किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है मुझे, तो कभी दीदी आती हैं तो उनसे पहन लेती हूँ, अगर मुझे वो पहनना होता है, या फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो लेती जाती हूँ, पहन लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मुझे पहनना है, मैं पहन सकती थी, पर मुझे लगा चलो दीदी घर जा रही हूँ तो उनसे ही पहन लूँगी मैं। यार छिलके के साथ ही बना दिए, इतना आलस कर लिए। हाँ, छिलके के साथ ही काटे। तो भुजिया गांव में बनाते हैं वैसा लग रहा है, इसलिए बनाई थोड़ी, लेकिन रखी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए तो नमक भी शुरू हो गया, पर मैंने बोला कि थोड़ा सा लिमड़ा पत्ता डालना। अरे हाँ यार, लिमड़ा को पत्ता नहीं डालना, टमाटर चलो नहीं डाला, अच्छी बात है, टमाटर नहीं डालूंगी, नींबू नहीं डालना, ज्यादा खट्टा लग रहा है, ये अच्छा है, पर मेरे को भुजिया का टेस्ट ज़्यादा है, वैसे फलाहार बनाते तो उसका टेस्ट अलग आता है। नहीं, ये भुजिया जैसा हो गया है, नहीं हाँ कड़ी पत्ता नहीं डाली, छील के थोड़ा बड़ा पीस काटते, ये तो भुजिया जैसा काटे भी हुआ, छिलके के साथ ही काट दिए। आज सही में आज बहुत आदत है। ये क्लिप है गुरुवार का, यानी थर्सडे का, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का यानी 10 बजे के बाद का ही टाइम है, और मैं अवराज के टिफ़िन के लिए भी बना रही हूँ, और हस्बैंड खा के जाएंगे, तो इसी वजह से मैं दोनों के लिए यानी सबके लिए ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों के लिए बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ, मतलब आप समझो कि लंच के लिए बन रहा है ये, और क्योंकि हस्बैंड आजकल लेट जा रहे हैं ना, तो खाना खा के ही जाते हैं, टिफ़िन लेके नहीं जाते,
तो यहाँ पे मैंने पनीर को घी में डाल दिया है, मतलब गरम घी में डाला है, और थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी मैं, थोड़ा सा चित्तियाँ दिखने लग जाए यहाँ पे, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टाइप का हो चुका है पनीर। तो उसके बाद में इसे मैं निकालने वाली हूँ, घी बोलने जा रही थी, दूध में निकालने वाली हूँ, गर्म दूध में, गुनगुने दूध में। नॉर्मली हम पानी में निकालते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट बना रहेगा, पर मैं आज इसे दूध में निकालूंगी और वही दूध में ग्रेवी के लिए यूज़ करूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा मतलब सबको पसंद आया था। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ, आप सबको पता ही है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए तो रेसिपी भी थोड़ा सा स्वाद चेंज हो, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी नॉर्मली हम एक ही स्टाइल, एक या दो तीन स्टाइल से बनाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाना ज़रूरी है। खुद से भी सोच के भी बनाया जा सकता है, और क्योंकि पानी हम यूज़ करते ही हैं, गुनगुना पानी की सॉफ्ट बना रहे हमारा पनीर, तो हम दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे दूध में डाल दिया है पनीर को, और जब तक कि वो सॉफ्ट होगा, मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ, मतलब घी में ही बनाती हूँ मैं ये सब्ज़ी। कभी भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं घी में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घी में ही बनाऊँ। प्याज डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया, टुकड़े टुकड़े ही बचे थे मेरे पास, अभी इतने ही काजू थे, मंगाने पड़ेंगे, फिलहाल तो काम हो गया, अभी के लिए तो काम हो गया मतलब, तो थोड़े से ही बचे हुए थे, टुकड़े ही थे, तो मैंने डाल दिया। और बादाम था जो मैंने सोख करके रखा था, किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने वो भी डाल दिया छील के कि चलो इसमें यूज़ हो जाएगा। और आधा टमाटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आधा मैंने एक दिन पहले यूज़ किया था और फ्रिज में रखा हुआ था आधा, तो आधा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और 5 से 7 बादाम होगा जो कुछ छिलका निकाल के आपको यूज़ करना है, ना डालो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बादाम डालना ही है आपको, पर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी ने खाया नहीं था, सोख किया बादाम था, किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल देती हूँ, तो इसी वजह से मैंने डाल दिया। नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के इसको सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे, मतलब अच्छे से एकदम मुलायम हो जाए सारी चीज़ें, जो आप देख सकते हो प्याज टमाटर जो भी हमने यूज़ किया है ना, तो अच्छे से पक जाए, तो उसके बाद में गैस कर देंगे बंद। और यहाँ पे टमाटर ज़्यादा तो है नहीं, पर जो भी जितने भी हैं उसके छिलके हम निकाल लेंगे, आधे टुकड़े टमाटर के कितने ही ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर छिलके रहेंगे ना तो वो टेक्स्चर नहीं आएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं सब्ज़ी, या फिर आपको छानना पड़ सकता है। और कभी भी मैं इसमें, मतलब जो मसाला ये तैयार कर रही हूँ, जो प्याज टमाटर ये सब भून रही हूँ ना, इसमें मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना कि छानने का झंझट रहता है कि आप छानोगे नहीं ना तो वो फिर टुकड़े रह जाते हैं, गरम मसाला आप कितना भी कोशिश करो ना पीसते नहीं, स्मूथ नहीं हो पाते ग्रेवी आपके, तो इसी वजह से मैं हमेशा पाउडर ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर ठंडा हो गया है जो हमारा प्याज और टमाटर ये सब भून के रखा था हमने, तो उसको मैंने जार में डाल दिया है, ठंडा होने के बाद में ही जार में डालना है। और डाल दिया है, घर की मलाई है तो मलाई के साथ में मैंने इसको पीस लिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था मैंने, क्योंकि बहुत गाढ़ा गाढ़ा पिसता नहीं है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पानी, मलाई डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है आपको। और फिर से मैंने कढ़ाई में घी डाला है और डाले हैं यहाँ पे सूखे मसाले, जिसमें कि मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला, ये चारों चीज़ों को मैंने डाल दिया है और अच्छे से थोड़ी देर पका लिया, थोड़ी देर यानी कि आप वही समझो 10 से 15 सेकंड्स के लिए, ताकि जले नहीं मसाले, क्योंकि डायरेक्ट मैंने डाला है, आप चाहो तो पानी में घोल के भी डाल सकते हो, पर मैंने डायरेक्ट डाला था, पानी में घोल के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जलने का खतरा नहीं रहेगा, मतलब चांस नहीं रहेगा जलने का। तो अगर आप सूखे मसाले मेरी तरह ऐड करते हो तो फटाफट से आपको ग्रेवी, मतलब जो हमने जार में प्यूरी बना के रखा है उसको ऐड करना पड़ेगा, बस वही 10 से 15 सेकंड मसालों को भुनने के बाद में, जो जार में वो प्यूरी था वो मैंने ऐड कर दिया है, और बस इसे पकाएंगे हम अच्छे से, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसको ढक ढक के पकाना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं बाहर जब हमें इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, मतलब ये ग्रेवी वाली, तो छींटे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सच में छींटे बहुत बाहर आते हैं, तो आपको ढक ढक के पकाना होगा जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता अच्छे से, इसमें मतलब बबल्स दिखने नहीं लगते, आप देख सकते हो गाढ़ा होके इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पनीर, हमारा जो पनीर है दूध के साथ ही ऐड करूँगी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी कम ऐड किया था, क्योंकि दूध भी तो जाएगा इसमें, तो दूध की वजह से भी तो ग्रेवी थोड़ी सी पतली होगी, तो इसी वजह से मैंने पानी कम ही डाला था। और इसको भी फिर हमें अच्छे से पका लेना है 2 से 4 मिनट के लिए पनीर डालने के बाद में, और फिर हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा ये सब्ज़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, और इसका कलर एकदम से आपको जैसे लाल कलर आता है ना वैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हल्दी भी यूज़ नहीं करना है आपको,
और ज़्यादा इसमें कुछ मसाले भी हमने ऐसे ऐड नहीं किए हैं, और सब कुछ इसमें दूध है और मतलब काजू बादाम ये सारी चीज़ें हैं, तो कलर नहीं आएगा, एकदम रेड कलर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक एडजस्ट किया, मुझे नमक ऐसा कम लग रहा था इसी वजह से, और फिर सारे मतलब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ चीनी। चीनी डालना ज़रूरी होता है ऐसे सब्जी जब आप बनाते हो, नहीं तो एक अधूरापन सा लगता है, मतलब वो टेस्ट बैलेंस नहीं हो पाता है कुछ ऐसे। आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कुछ कमी है, कुछ मतलब आपको मिसिंग सा लगेगा, तो आपको चीनी डालना, थोड़ा ही डालें पर डालें ज़रूर। यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा सा चीनी ऐड करना है आपको, और उसके बाद मैं मिक्स करूँगी, ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट में इसे और पका लूँगी, क्योंकि जो ग्रेवी है थोड़ी सी पतली लग रही है मुझे, गाढ़ी करनी है इसकी वजह से, तो 2 से 3 मिनट पका लूँगी तो थोड़ी सी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और चीनी भी मिक्स हो जाएगा अच्छे से। बाद में मैं धनिया पत्ती से गार्निश कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो, आज का व्लॉग, आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और मतलब अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं आप सबको पसंद आ रहा है। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से उनको मतलब तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो करने वाले हैं उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो करने वाले हैं, जो नए लोग मेरे से जुड़ने हैं, मेरे चैनल से जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।